महागठबंधन अब अटूट है। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही सिक्का की तरह, जैसे बिलाई नीचे नहीं सिक्का के नीचे बैठा रहा है, और छाली के जो गंध हवा है वो छलिया के गंध के फेर में रहा है, जब सिक्का टूटो तो फिर छाली खाई हो। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छाली का दर्शन नहीं होगा। गठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी के पक्ष में वोट करने के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। हमारे गार्जियन ललन बाबू हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग एकजुट होकर के जितना भी क्षेत्र का विकास होगा किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य कार्तिक मास्टर साहब, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष परशुराम पारस जी, सरवन जी, यहाँ सम्मानित सभी नेतागण और साथी, तीन तारीख को यहाँ चुनाव और चुनाव में हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी को आपका एक एक वोट मिले। चुनाव में कोई लड़ाई तो नहीं, इसलिए कि बिहार जिस दिन नीतीश जी, लालू जी और श्री तेजस्वी यादव जी मिल गए तो बिहार में कुछ बचा है, कुछ बचा है नहीं बचा है। 2015 में हम लोग महागठबंधन बनाए थे और महागठबंधन बनाए थे जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, बड़ा शोर मचाया था, बड़ा तूफान मचाया था, और चुनाव के गिनती के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पड़ाका छोड़ा, कब जीत गए। अब 10 बजे के बाद ऐसा फील में भागा कि फिर कोई नजर नहीं है, तो ये ताकत बनी। अब उस ताकत को तोड़ने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने पुराना 2008 का एक मुकदमा कहां से करा के छापा मरवा के ये षड्यंत्र किया, सिर्फ नीतीश जी को और लालू जी को अलग करने। जब हम लोग को मालूम हो गया और नीतीश जी को मालूम हो गया कि एक षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसी दिन नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि एक षड्यंत्र करने वाले लोगों के साथ एक सेकंड नहीं रहना है, फिर से लालू जी और तेजस्वी जी के साथ बिहार में महागठबंधन बना, और ये महागठबंधन बना और ये महागठबंधन अब अटूट है। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही सिक्का की तरह, जैसे बिलाई नीचे नहीं सिक्का के नीचे बैठा रहा है, और छाली के जो गंध हवा है वो छलिया के गंध के फेर में रहा है, जब सिक्का टूटो तो फिर छाली खाई हो। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छाली का दर्शन नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने फैसला कर दिया है, और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने फैसला किया उस दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश का माहौल बदल गया है। 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी बढ़िया वस्त्र बांध के उधरे कहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाके आश्रम में रहेंगे, कोई ज्यादा नहीं है। 272 चाहिए, अब 303 है उनके पास, तो कितना ज्यादा है, 31 को तो 31 को ज्यादा है, तो उसमें 23 को तो बिहारे से हम लोग साफ कर देंगे। 17 भाजपा 6 लोजपा, 17 और 6 23, तो 23 तो ये से साफ कर देंगे, तो इनका गद्दी कहां से भेटाएगा, कोई गद्दी नहीं भेटाने वाला है, इसलिए छटपटाहट में है, हताशा में है, कोई काना फूसी में विश्वास नहीं करना है। महागठबंधन में टूट है और नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी एक एक शरीर है और तीन जान है, यह मान के चलिए, और एक एक वोट 3 तारीख के चुनाव में श्रीमती नीलम देवी जी को
लालटेन साहब पर बटन दबाकर एक एक वोट दीजिए और लड़ाई ऐसा दिखाइए, ऐसा लड़ाई दिखाइए कि बिहार में रिकॉर्ड मत से ये जीते और भाजपाई भी इधर उठा के नजर उठा के देखने का विश्वास नहीं करे। यही आग्रह और अपील करने के लिए आप सबों से आए हैं। आप सब सपोर्ट मिलते हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं ना है, एक भी गड़बड़ नहीं हो, मार के ठोक के वोट दे देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।